जन स्वास्थ्य विभाग इन दिनों गहरी नींद में है और पूरा शहर गंदगी में पड़ा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पहले स्थान पर आने वाला सिरसा इन दिनों प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी और लापरवाही के कारण अधिकतम अस्वच्छ सिरसा की ओर अग्रसर है। जहां भी देखो गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है, कभी गड्ढों को खोद दिया जाता है और विभाग उनको भरना भूल जाता है, तो कहीं सीवर की सफाई के नाम पर सड़क पर गंदगी बिखेर दी जाती है। बरसाती मौसम है, जहां तहां पानी खड़ा है जो बदबू मार रहा है और गंदगी में मच्छर पनप रहे हैं जो कि बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं। बरसाती सीजन के दौरान बरसाती नालों की सफाई नहीं होने और बाद में सफाई के नाम पर समय से निकाली गई गाद को खुलेआम सड़क पर फेंक दिया जाता है, लेकिन अधिकारी आंखें मूंदे लोगों के बीमार होने का इंतजार कर रहे हैं। चाहे हिसार रोड हो या डबवाली रोड हो या शहर का कोई भी इलाका हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर गंदगी नहीं फैली हुई है। लगता है इन अधिकारियों को किसी का डर नहीं है, तभी तो अपनी मनम नी के चलते सरेआम गंदगी को फैला रहे हैं। अगर बात करें हिसार रोड की, तो नहरी विभाग के साथ बने बरसाती नाले को बनाए तो काफी अरसा हो गया, लेकिन कभी सफाई नहीं हुई और जब सफाई करने की कोशिश की तो सारा गंद सड़क पर बिखेर दिया। यही नहीं, मुख्य मार्ग पर ही सीवर को ठीक करने के नाम पर बहुत गहरा गड्ढा किया जिसको पूरी तरह से ढका नहीं और अब बरसात के पानी से लबालब है। मुख्य मार्ग पर होने की वजह से यह हादसों को निमंत्रण दे रहा है। सिरसा के रानिया रोड स्थित गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के ठीक सामने भी यही हाल है। जन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते सड़क करीब 10 फुट नीचे धंस गई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। लोगों में प्रशासन के खिलाफ रोष व्याप्त है। इसमें सबसे बड़े दोषी जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है, जो बुराई करते हैं और उसे बूर देते हैं ताकि लोगों को आसानी से जानकारी न मिल सके कि उन्होंने क्या घोटाला किया है। इससे लोगों में भारी रोष है। पता नहीं सरकार इस पर गौर क्यों नहीं कर रही। लगता है ये अधिकारी सरकार को अंधेरे में रखे हुए है और सरकार के स्वच्छ भारत मिशन को धत्ता बता रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार को सख्त कार्यवाही करनी चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। न्यूज़ फॉर यू के लिए डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट।